मुझे नहीं लगता कि अमीर एहसान रमशा की किसी किस्म की बातों में आएंगे। क्या मतलब? कुछ कहा उसने? वही ड्रामा, मेरे और तुम्हारे खिलाफ पता नहीं क्या क्या बातें कह दी उसने अमीर एहसान को। अमीर एहसान तो वापस अमेरिका चले गए, लेकिन मुर्तजा, मुर्तजा हर वक्त ऑफिस में मसरूफ होते हैं और इतने मसरूफ होते हैं कि इनके पास मुझे और एमिल को देने के लिए जरा भी वक्त नहीं है, क्योंकि सारा वक्त नूर पे जो वक्फ कर देते हैं। कहना ये चाहती हूँ कि रिस्क तो अल्लाह ताला देता है, लेकिन अपनी इज्जत और अपने घर को बचाना इंसान का काम है। जिस तरह तहनीत चाहती है उसी तरह करो। छोड़ दो नूलैन को और उसकी नौकरी को भी, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। तेरे बिना मैं नहीं, के मेरे बिना तू नहीं। और मैंने जिन जिन को अपॉइंट किया है ना, उनको निकालने का सोचना भी मत। अगर आपने ये गलती की तो ये कंपनी क्या, मैं डैड की जिंदगी से आपको निकाल फेंकूंगी। रमशा, नूर, डैड, थैंक गॉड, थैंक गॉड आप आ गए। आई एम सो ग्लैड टू सी यू बाय माय साइड, मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जानता हूं, इसलिए तुम्हारी एक कॉल पर फौरन चला आया। तुमने रमशा पर हाथ उठाया? बहुत दुख हुआ है मुझे यह देखकर। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू नाउ? ट्रस्ट की बात आपके मुंह से तो अच्छी नहीं लगती अमीर एहसान साहब। ट्रस्ट तो मेरा टूटा है। क्या समझती थी मैं आपको? एक रिस्पेक्टेबल डिग्निफाइड इंसान जिसको रिश्तों की समझ होती है। क्या थी आपने मुझे? बहैसियत बीवी क्या औकात है मेरी इस घर में? सिर्फ इतनी कि आपको वजावत देती रहूं, कोई शिकायत ना करूं आपसे? शिकायत? शिकायत की गुंजाइश ही कहां छोड़ी है मैंने। नूर, देखो अपने आप को, सर से पांव तक गौर से देखो और सोचो। नूरुल ऐन नामी एक आम सी लड़की से लेकर मिसेस अमीर एहसान बनने तक क्या कुछ हासिल किया है तुमने, सोचो। एक आम सी लड़की होती तो मिसेस एहसान बनाने का सोचते भी ना। बहुत कुछ पाया था मैंने अपनी जिंदगी में, लेकिन हाँ, मिसेस एहसान बनने के बाद कुछ पाया ना पाया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स जरूर खो दी है मैंने। एहसास हो गया आज मुझे इस बात का।
तुम्हारे बाबा ने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं रोका कि तुम यूं अफसरदा और परेशान नजर आओ, बल्कि इसलिए रोका है कि हमारी जो भी उलझने और परेशानियां हैं वो तुम हमसे शेयर करो। तुम यूं उदास और खामोश रहोगी तो हमारी परेशानियों में मजीद इजाफा होगा बेटा। सवारी मामा ठीक कह रही है बेटा, दुनिया में हर मसले का एक हल होता है और हर परेशानी का एक मंतकी अंजाम। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी मंतकी अंजाम के बारे में नहीं सोच रही। मैं तो पर मैं सिर्फ तुमसे ये कह रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए, कोई भी मसला हो, तुम खुद को कभी तन्हा मत समझना। कोई भी मसला हो, हर कदम पे हम तुम्हारे साथ हैं। अब तो मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा है। काश हमने मुर्तजा का रिश्ता कबूल करने में इतनी जल्दी ना दिखाई होती। ऐसे ना कहे मामा, ये सारी बातें तो पहले से तय होती। फिर शायद मैं नसीब में लिखा था मुर्तजा का साथ। एमल ने भी तो इस दुनिया में आना था। मुझे मुर्तजा से कुछ शिकायतें जरूर हैं, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि बहैसियत शौहर मुर्तजा ने मेरा साथ भी बहुत दिया। और जहां तक बात रही नूरुलैन की, शायद वो मुर्तजा के बस में ही नहीं था। और सब कुछ जानते हुए चुप रहना मेरे बस में नहीं था। जो भी है, मुर्तजा को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अब उसकी वाबस्तगी और ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ तुमसे और एमल से होना चाहिए, बस। अब इस मामले को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बड़ा स्टैंड जिंदगी में बार बार नहीं लिया जाता। बाबा, जब से नूर वापस आई और इनकी कंपनी की एमडी बनी, तब से मुर्तजा बिन नवाजशात का सिलसिला जारी। अमीरा एहसान तो वापस अमेरिका चले गए, लेकिन मुर्तजा हर वक्त ऑफिस में मसरूफ होते हैं, और इतने मसरूफ होते हैं कि इनके पास मुझे और एमल को देने के लिए जरा भी वक्त नहीं है, क्योंकि सारा वक्त नूर पे जो वक्फ कर देते हैं। अभी इसके अलावा मैं आपको कोई और दलील नहीं दे सकती कि मुर्तजा ऑफिस के अलावा भी हर वक्त नूर के साथ होते हैं। कभी मैं इनको रेस्टोरेंट में देखती हूँ, कभी रास्ते में देखती हूँ, कभी उसके घर होते हैं और कभी एचसीवी पर होते हैं। जिस दिन वसीम अबू को हार्ट अटैक हुआ था, उस दिन भी रिदा भाभी ने नूर को कॉल की थी। उस दिन भी ये नूर के साथ थे, और जब मैंने इन्हें कहा कि एमएल की कसम उठाए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैं नहीं क्योंकि अपनी बेटी की झूठी कसम उठाना आसान नहीं होता ना।
तुम मुझे एक बात बताओ, जो इल्जाम तेरे से तुम पे लगाए हैं तुम उनसे इनकार कर सकते हो किसी एक से भी? पहले तो मुझे शक लेकिन मुझे अब यकीन है कि नूर मुर्तजा की जानिब बढ़ती जा रही है। आज जो उसके अंदर लावा पक रहा था वो यूं बह कर निकला है। मुर्तजा उसको मायूस करने के बजाय उसके बढ़ते कदमों का साथ दे रहे हैं। कि किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तेनियत, सबकी नजरों में गिरा दिया मुझे। क्या अपने क्या पर आए, मैं तो किसी से नजर मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। क्यों किया ऐसा तुमने? खुद ही एक कहानी बनाई, खुद ही अदालत सजाई और खुद ही फैसला सुना दिया और मुझे इल्जामात के कटेरे में तन्हा खड़ा कर दिया। अफसोस तो यह है कि मेरे दिल और नीयत की सच्चाई किसी एक को भी नजर नहीं आई। अगर यही जीत है और इसे जीतना कहते हैं तो तुम्हें मुबारक हो तेरी। जीत गई तो तेरे बिना मैं नहीं के मेरे बिना तू नहीं। माजी तो हर एक के साथ जुड़ा होता है नूरुलैन। मैंने तुम्हें अपना माजी नहीं बताया था तो तुम्हें बहुत शिकायत हुई थी। अब तुम्हारा अपना माजी खुलकर सामने आ गया तो क्या कहोगे तुम? मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मुझ पे जो इल्जाम लगा रहे हैं उसका ना आपको इस पर है ना पैर। रमशा ने आपको फजूल बातें की और आपने उस पर यकीन कर लिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा बिजनेसमैन इतने कच्चे गानों का कैसे हो सकता है। फजूल बातें मत करो। क्यों तुमने मुझे शादी के फौरन बाद नहीं बताया कि मुर्तजा हसन तुम्हारा कजन है, तुम्हारा बचपन का साथी है, तुम्हारा नेबर है, तुम उसे जानती थी, उसकी काबिलियत और जहानत के किस्से सुनाया करती थी। तुमने मुझे मजबूर किया था कि मैं उसे ज्यादा पैसे देकर अपनी फर्म का हिस्सा बनाऊं। क्यों? इसीलिए नहीं बताया था कि आप मुझसे ऐसी बातें करेंगे। हाँ मैं उसे जानती थी, हाँ वो मेरा कजन था, लेकिन मैंने उसे कोई नाजायज फेवर नहीं दिया। क्या साबित नहीं किया उसने अपनी जहानत से, अपनी काबिलियत से? काबिलियत इसीलिए तुमने उसे दो मर्तबा प्रमोशन दिलवाई जबकि ये कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट था। तुम मुझे मिस गाइड करके उसे नवाजती रही और ये सब कुछ मेरी नाक के नीचे होता रहा। आप ज्यादती कर रहे। करना नहीं चाहता था, मजबूर किया मुझे तुमने। मेरी सारी फर्म को तुमने अपना बना लिया, सिर्फ मेरी एक बेटी को अपना नहीं बना सकी, यही तो डिमांड थी मेरी। पर अब क्या एक्सपेक्ट कर रही हो तुम मुझसे? हाँ मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, इसीलिए मैं हिसाब किताब का पाबंद हूं, नाजायज फायदा मैं किसी को नहीं दे सकता। एक बात मेरी गौर से सुन लो तुम नूरुलैन, कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी और मुर्तजा हसन से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी? ये मेरी पूरी जिंदगी का ख्वाब है, ये गोल है जो मैंने पूरी जिंदगी सेट किए, टारगेट्स है मेरी जिंदगी के, मेरी कंपनी है, मेरी अचीवमेंट है। मैं ही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट हूं, वो टारगेट जो तुमने अपनी लाइफ में सेट किया था। और अब मैं ही तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें
इस घर में रहना होगा। तुम अपना एतबार खो चुकी हो नूरुलहन, और अब यह एतबार कब बहाल होगा इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। मुर्तजा हसन का अभी एक साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, उसे फायर नहीं कर सकता सिर्फ तुम्हारे बनाए हुए एक क्लॉज की वजह से। लेकिन जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, उस शख्स के लिए मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं होगी। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। और कुछ चाहिए? मम्मी ठीक है। सलाम अलैकुम मम्मी। सलाम अलैकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मुर्तजा, दफ्तर से वापसी पर तहनियत के घर उसके पास चले जाना। वो क्यों? क्या मतलब क्यों? बीवी है तुम्हारी, एमल भी उसके साथ है, उसे घर नहीं लाना। छोटी छोटी बातों पर कत्ता ताल्लुक करके थोड़ी बैठ जाते हैं। हमें उसे कुछ दिन वहीं पे रहने दें। पूरी दुनिया के सामने उसने अपने शौहर को जलील और शर्मिंदा किया। और मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग अभी उसका साथ दे रहे हैं। देखिए, मुझे उसे वापस लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंसान की अपनी कोई सेल्फ स्टीम भी होती है। अच्छा मुर्तजा, तुम ये नाश्ता तो करो, छोड़ो इस बात को, ये लो। यहाँ पे अरे देखो तो इसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इसका। अम्मी, वो समझदार है, कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन आप तो फिक्र ना करें। अरे कैसे फिक्र ना करूं, जब इंसान अना के पहाड़ के नीचे आ जाता है ना, तो बड़े बड़े समझदार गलत फैसले कर लेते हैं। यानी क्या होगा इससे? अकेला तुम कह रही हो मैं फिक्र ना करूं? सर में आए? आइए मिस्टर मुर्तजा, प्लीज हैव अ सीट। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गुड टू सी यू। आप कब आए? आना जाना तो लगा ही रहता है, एक बिजनेसमैन के लिए सफर ही उसका घर होता है। बस जगह निगाह रखनी पड़ती है ना, कौन कब कहां किसे चीट कर रहा है, कौन किसे धोखा दे रहा है, सब देखना पड़ता है ना। Am I right? Sir, मैं आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देख रहा था। पिछले 6 महीने में 2 प्रमोशंस, 100% सैलरी रेज। आई मस्ट से इट्स सरप्राइजिंगली एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मैं ये चाह रहा था कि मैं एक मरतबा आपकी लास्ट 6 मंथ्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट रिव्यू कर लूँ। आपने कौन से ऑफिशियल टूर्स किए, किस प्रोजेक्ट पर आपने काम किया, कौन सा प्रोजेक्ट सिर्फ सुपरवाइज किया, क्या एक्टिविटीज थी, क्या
ऑफिशियल टूर थे, जो जो भी आपने किया, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी डिटेल ऑन पेपर। जो असल में आपको रिपोर्ट तैयार करके देता हूँ। कब तक? कल शाम तक। I'll try my best. ठीक है, अब आप जा सकते हैं। Anything else, sir? That's it. चाह रहा था कि मैं एक मरतबा आपकी लास्ट सिक्स मंथ्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट रिव्यू कर लूं। आपने कौन से ऑफिशियल टूर्स किए, किस प्रोजेक्ट पर आपने काम किया, कौन सा प्रोजेक्ट सर सुपरवाइज किया, क्या एक्टिविटीज थी, क्या ऑफिशियल टूर थे, जो जो भी आपने किया। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी डिटेल ऑन पेपर। सान साहब वो तो खुश और मुतमईन है ना इस प्रमोशन से। ऑब्वियसली उनकी परमिशन के बगैर इतना बड़ा फैसला मैं ले भी नहीं सकती। जगह निगाह रखनी पड़ती है ना, कौन कब कहाँ किसे चीट कर रहा है, कौन किसे धोखा दे रहा है, सब देखना पड़ता है ना। मुर्तजा हसन आपका कजिन नहीं बल्कि आपका एक्स लवर है। रमशा आवाज नीचे रख के बात करें, ये आपका नहीं मेरे बाप का घर है। तेरे बिना मैं नहीं, के मेरे बिना तू नहीं। पार्टी तो बनती है, मैं डैड से कहकर बहुत स्पेशल अरेंजमेंट करवाऊंगी। ऑफ कोर्स डैड मेरी कोई बात नहीं डालते और अब तो वो बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। आफ्टर ऑल मैं मॉम को छोड़कर उनके पास रह रही हूँ, लेकिन मैं भी कुछ गोल सेट करके आई हूँ। डोंट वरी, जैसे ही सब कुछ अरेंज होता है आई विल कॉल यू बैक। ओके बाय। मिस नोरलैंड, क्या बात है, आज आप ऑफिस नहीं गई? कंपनी की एमडी अगर यूं घर बैठ जाए तो अच्छा तो नहीं लगता, राइट? हमशा आपको ये बातें अच्छी नहीं लगती। मैंने जानती थी कि आपकी सोच ऐसी हो गई। मक्कार साजिशी झूठी, इसी तरह सोचती हूँ ना मैं, यही कहना चाह रही थी ना आप। ये चार्जेस तो आप पे लगने चाहिए। कितनी होशियारी और मक्कारी से आप मेरी डैड की जिंदगी में दाखिल हुई और उनके बिजनेस पर कब्जा करने के ख्वाब देखे, ये बात अब कौन नहीं जानता। मुर्तजा हसन आपका कजिन नहीं बल्कि आपका एक्स लवर है, ये बात भी अब कौन नहीं जानता। सारी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी हूँ मैं, वो अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं और आप यहाँ मेरे डैड को। रमशा माइंड योर लैंग्वेज, आवाज नीचे रख के बात करें,
ये आपका नहीं मेरे बाप का घर है। मेरी माँ हमेशा आप जैसी औरतों का शिकार रही हैं, आप जैसी औरतें जिनकी साजिशें खत्म ही नहीं होती। अमीर आदमी के साथ जिंदगी आसान नहीं होती। मैरिटल लाइफ ऐसी होती है जैसे एक समंदर में शार्क्स मौजूद हो, लेकिन मैं वैसी नहीं हूं। आई एम अ ग्रोन अप नाउ। जो काम मेरी माँ नहीं कर सकी वो मैं करूंगी। डैड की जिंदगी में औरतों की कमी तो नहीं हो सकती, लेकिन औलाद, औलाद सिर्फ मैं हूं। और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझी आप? एक्चुअली ये सारे कट्स अब काफ़ी आउटडेटेड हो गए हैं। हम अपने नेक्स्ट कलेक्शन में बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन एंड न्यू कट्स रखेंगे। तहनियत मैम, मिसेस मोहसिन आपको अपने ऑफिस में बुला रही हैं। आप चले, मैं आ रही हूँ। ओके। हमारा काम अब हमारी पहचान बन गया, लोग हमें हमारे नाम से जानते हैं। एंड डेफिनेटली ये वो वक्त होता है जब हमें मज़ीद अच्छे और मायारी काम की ज़रूरत होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग समझ रहे होंगे। जी मैडम, आप बहुत अच्छा गाइड करती हैं, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच। मुझे आप सब लोगों की यही कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है और साथ की ज़रूरत है। हमारा काम या पहचान या नाम जो कुछ भी है, सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप सब लोग यहाँ इतनी मेहनत से दिन रात काम करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों के लिए बहुत सारी तालियों। आओ तहनियत, बैठो। दुबई वाली एग्जीबिशन इतनी सक्सेसफुल रही है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। रियली? क्या? देखो, इतने सारे ऑर्डर्स आके मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसको खत्म कैसे करेंगे। अरे आप क्यों परेशान हो रही है? मुझ पे छोड़ दें, ये सब मैं सारे ऑर्डर्स कंप्लीट कर दूंगी आपको। तुम पर ही छोड़ दिया मैंने, ऑनेस्टली तुम्हारे बगैर तो ये कुछ भी नहीं पॉसिबल था। और मुझे तुम्हारी सलाहियत पे बिल्कुल भी शक नहीं। थैंक यू। अच्छा, कल मैं दुबई जा रही हूँ। नाउ इट्स टाइम फॉर माई ब्रांड टू ग्रो। सॉरी, मैं समझी नहीं। मुझे कुछ इन्वेस्टर्स ने कॉल किया था फ्रॉम दुबई। दे वॉन्ट टू ओपन माई आउटलेट इन दुबई। तो मैं कुछ मीटिंग्स के लिए जा रही हूँ, फिजिबिलिटी डिस्कस करने जा रही हूँ, एंड इंशाल्लाह वेरी सून आई विल बी ओपनिंग माई फर्स्ट इंटरनेशनल आउटलेट। So happy for you. Congratulations. Thank you so much. And honestly, ये सिर्फ तुम्हारी अथक मेहनत की वजह से है। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो पता नहीं मैं ये कैसे कर सकती। आपको तो पता है ये सब कुछ ना मेरे लिए ख्वाब जैसा था। मैं हमेशा आपकी एहसान मंद रहूंगी, क्योंकि आपने मुझे सिखाया है कि अपने ख्वाबों को कैसे अचीव करते हैं, कैसे रियलिटी बनाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, यू डिजर्व इट। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ पहले मास्टर से मिलकर, फिर मैं घर जा रही हूँ। ओके, श्योर, बाय बाय। मामा, आपको पता है आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारा ब्रांड जो है अब दुबई में भी लॉन्च होने जा रहा है। इतने सारे ऑर्डर्स मिले हैं कि बहुत जल्द हम वर्ल्ड वाइड जाने जाएंगे। बहुत खुश हूँ आज। अच्छा बेटा, बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें और भी कामयाबी दे, लेकिन ये वक्त इन बातों का नहीं है। बस तुम फौरन घर आ जाओ। क्या हुआ मामा, सब ठीक तो है?
एमल कुछ दिनों से सुस्त हो रही थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान ना हो, और वैसे भी तुम पिछले कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा मसरूफ थी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब ही नहीं किया। बाबा हुआ क्या है मुझे ये तो बताएं। एमल को तेज़ बुखार है। मैं और साजिद लेकर गए हैं उसे यहाँ करीब में क्लिनिक में, मगर ड्यूटी डॉक्टर ने कहा है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तुम आ जाओ बेटा। एडमिट करने को क्यों मामा? मैं सुबह तो मिलकर आई हूँ एमल से, एमल तो बिल्कुल ठीक थी, उसे कुछ भी नहीं था। बेटा छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, अचानक से मुरझा जाते हैं। मैंने तुम्हें कहा ना इस वक्त सारी चीज़ें छोड़ दो, बस तुम जल्दी से घर आओ, उसे लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ मैं आ रही हूँ फौरन, प्लीज़ उसका ख्याल रखिए, मैं पहुँच रही हूँ जल्दी। खैर से आओ, चलो अल्लाह की अमान, खुदा हाफिज़। हाँ नूरुद्दीन, कैसी हो? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे खला में हूँ। ऑफिस क्यों नहीं आई तुम? समझ नहीं आ रहा मुर्सा, समझ ही नहीं आ रहा कि कब कहाँ कौन सा कदम उठाऊं, कौन सा कदम रखूं। जिंदगी बड़ी अजीब सी हो गई है। तुमसे बात करना चाहती हूँ। मिलना तो मुझे भी है नूर, उन्हें कुछ सवालात हैं, उनके जवाब चाहिए मुझे। आज मिलते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तहनियत और एमल से मिलने आई थी, बहुत दिन हो गए हैं, दिल ही नहीं लग रहा था एमल के बगैर। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ वो एमल की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर्स का ख्याल है कि उसे एडमिट करना पड़ेगा। अल्लाह खैर, क्या हुआ एमल को? बहुत तेज़ बुखार है, आप भी दुआ कीजिएगा। हाँ क्यों नहीं करेंगे दुआ, हमारी अपनी बच्ची है। तुम कहो तो मैं भी साथ चलूँ। नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है तायरा, फ़िलहाल हम हैं ना तैनियत के पास। फिर भी आंटी, अगर आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप मुझे और अम्मी को बिला झिझक कह सकती हैं। शुक्रिया। जल्दी करो आसफा। जी जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हें यूँ बाहर से भेजना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, जल्दी है। बैठे बैठे सलाम कहना अपनी अम्मी को। बैठे ठीक है, अभी एमल से ज़्यादा तो कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आप लोग खैर से जाएं और खैर से आएं। हाँ इंशाल्लाह। ख्याल रखना एमल।
मुझे बताओ नूर, अगर अमीर एहसान मेरे काम से मुतमईन नहीं थे, मेरी प्रमोशन से फुली कन्विंस्ड नहीं थे, तो सब कुछ कैसे हुआ? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मुझे कोई नाजायज फेवर्स के ताने दे। मुर्सा, अमीर एहसान ने मुझे इस कंपनी का एमडी बनाया कि मेरे हाथ में मैं किसको क्या पोजीशन देती हूँ। और जहाँ तक फेवर्स की बात है, तो मैंने हर चीज़ के बारे में उनको ब्रीफ कर दिया था। तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ? मुझे उनके अंदाज, उनके रवैये, उनके अल्फाज से नाकामले बर्दाश्त तकलीफ हुई है। और जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ, उसका शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। क्या हुआ है बताओ मुझे। मैंने चेक कर लिया है, अब तो मैंने ईमेल कर दो फौरन। हाय डैड। हेलो, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वैसे तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम भी बिल्कुल ठीक हो। हाउ वाज योर डे? माय डे वाज गुड। वो नूर कहाँ है? वो मुर्तजा हसन से मिलने गई है। आपको नहीं बताया? How do you know? तो मैंने उन्हें फोन पे बात करते हुए सुन लिया था।